आज 14 फरवरी है, यानी वैलेंटाइन डे। ये दिन प्यार करने वालों के लिए बेहद खास होता है। एक दूसरे से लोग प्यार का इजहार करते हैं और जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। लेकिन सूरत के लोगों के लिए वैलेंटाइन डे ना केवल प्यार या प्यार का इजहार करने की जगह है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जहां हर दिन वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। पुराना शहर यानी ओल्ड सिटी सूरत की काछिया स्ट्रीट में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करीब 80 से अधिक जोड़ों ने प्रेम विवाह किया है। इतना ही नहीं, ससुराल भी उसी गली में है और मायका भी उसी गली में। सूरत के सैयदपुरा इलाके में काछिया स्ट्रीट, जहां की आबादी 1800 से ज्यादा लोगों की है। आपको बता दें, सूरत के सैयदपुर इलाके में काछिया स्ट्रीट है, जहां की आबादी 1800 से ज्यादा लोगों की है। आपको बता दें कि सूरत की इस काछिया गली को प्रेम गली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेम विवाह का रिवाज चलता आ रहा है। यहाँ केवल युवा ही नहीं बल्कि बुजुर्ग भी वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आपके सोसाइटी में प्रेम विवाह का प्रचलन है और इस सोसाइटी एक दूसरे से प्रेम विवाह करती है इसी गली की लड़कियों के साथ, क्या है पूरा मामला? उस टाइम होता था क्या कि यहाँ पूरा जो हमारा जो सोसाइटी ना, उसमें सब एक एक नाती के हैं, सब मतलब सब पहचानते थे एक दूसरे को। उनसे जब छोटे थे 5-7 साल के, उनके साथ खेलते थे, फिर उनके साथ मतलब वही होता था पूरा कोई भी त्यौहार तो एक दूसरे को पहले साथ खेलते खेलते उन लोगों को एक दूसरे को पसंद करने लगते, फिर सब एक ही नाती के होते, सब पहचानते होते। तो फिर क्या होता था कि जब भी किसी फादर मदर को पता चल रहा था तो फिर वो उनको शादी मैं कन्वर्ट करता। लेकिन ऐसा भी होता था कि अमुक फादर या मदर मतलब उनको वो नहीं होता तो नहीं हमको करना है। ओके, तो फिर कुछ भी मतलब आगे पीछे हो गया कि फिर वो शादी हो जाती है। और यहाँ कितने वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है? भी मैं आप सोच लो, मेरी 46 ईयर्स है और मैं 13 साल से मेरी वाइफ के साथ हूँ, 13 साल के थे तब से। उससे पहले जब करीबन नहीं तो मेरे फादर मदर की उम्र के भी जो थे ना, उनका भी यहाँ ये सोसाइटी में मतलब लव मैरिज हुआ है। मतलब नहीं, आप सोचोगे तो कम से कम 50 साल से।